हेलो एवरीवन, आज से हम माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. सो नंबर वन, वी विल स्टडी अबाउट द कंटेंट. जो इस लेक्चर में हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, द नंबर वन इज द इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, देन इज ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, साइंटिस्ट एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स, कोट्स, पोस्टुलेट्स, ब्रीफ ऑन साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज. नाउ द इंट्रोडक्शन. So microbiology is the study of living microorganisms which cannot be seen with the naked eyes. और उनको देखने के लिए we need a special instrument that is microscope. Now इससे पहले कि हम microbiology के बारे में और चीज़ें discuss करें, हमें उसका origin पता होना चाहिए. So microbiology is basically taken from a Greek word which means micros and bios and logos. Now micros means small and bios means life and logos means study. So basically it is the study of those small living microorganisms जिनको हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते हैं, और उनको देखने के लिए a special structure और instrument is required जिसका नाम है माइक्रोस्कोप. तो बेसिकली हम जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें स्टडी करते हैं इन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. दे आर द वायरसेस, फंगस, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोन्स एंड एल्गी. नाउ जो टर्म माइक्रोबायोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस की गई थी बाय लुईस पाश्चर, एंड एज वी नो लुईस पाश्चर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अब इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा गया है वो हम आगे फर्दर लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज इन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया है माइक्रोबायोलॉजी को कि पहले इसे कोई फील्ड का नाम नहीं दिया गया था, इसे एक छोटी सी स्टडी माना गया था. अब हर चीज़ के पीछे एक ओरिजिन रहता है, उसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी का भी एक ओरिजिन जो है वो छोटी सी चीज़ से स्टार्ट हुआ है, और आज हम एक माइक्रोबायोलॉजी को एक वास्ट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टडी. नाउ नेक्स्ट इज द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. The first branch is the bacteriology, in which we study about the bacterias, different kind of bacterias. Now next is the study that is mycology. So mycology is the study of fungi. Now phycology, it is the study of algae. वैसे लोग जो हैं वो इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, दैट फाइकोलॉजी माइट बी द स्टडी ऑफ फंगस. नो, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी एंड माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई. Now next is the protozoans. Now these protozoans are referred to as like plasmodium, amoeba. So basically these are included inside the basic branch that is parasitology. तो parasitology के under हम protozoans को पढ़ते हैं. And same case nematology. Nematology is also the study of nematodes, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं राउंड वर्म्स, लाइक वी हैव अ फिलेरियल वर्म्स, एग्जाम्पल माइट वी इंक्लूड एस्कैरियसिस, देन एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेला एंड मैनी मोर. सो ऑल दीज आर द वर्म्स विच इंक्लूडेड अंडर द नेमेटोलॉजी, एंड नेमेटोलॉजी को हम किसके अंदर रखते हैं, पैरासाइटोलॉजी के अंदर. तो जब आप पैरासाइटोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो बेसिकली आप प्रोटोजोन्स को पढ़ते हैं, आप नेमेटोड्स को पढ़ते हैं, एंड अनदर ऑल्सो वायरोलॉजी को भी कई बार आप पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो है वो उसको ले लेते हैं, बिकॉज बेसिकली ये सारे क्या हैं, दे आर द पैरासाइट्स. मतलब जो एक इंसान के अंदर रहते हैं, दे कैन बी एक्टो ऑल्सो जो बाहर रहते हैं आउटसाइड द बॉडी, एंड दे कैन बी एंडो पैरासाइट्स ऑल्सो जो कि बॉडी के बाहर भी रहते हैं. सो बेसिकली अगर हम वायरोलॉजी की बात करते हैं तो नाम से ही इंडिकेट करता है, दैट इज इट इज़ अ स्टडी ऑफ वायरसेस. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट साइंटिस्ट एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स. सो अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ है माइक्रोबायोलॉजी का. ओरिजिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम देखने जा रहे हैं. देखिए, जब बहुत पहले की बात है, लोगों को ये नहीं पता होता था कि जो भी इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर जितनी डिजीजेस हो रही हैं वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जा रही हैं.
हर कोई ऐसा मानता था, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग थे तो उनको ऐसा लगता था कि अगर कोई बीमार है या तो भगवान जी उस पर गुस्सा कर रहे हैं या सेकेंड उसके अंदर कोई इविल स्पिरिट जो है वो एंटर कर गई है, क्योंकि उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर डिजीजेस आ जाती हैं जस्ट बिकॉज हम कुछ फॉल्टी खा लेते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, फॉल्टी के कारण तो हो सकता है कि हमने कुछ गंदा खा लिया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा भी लगता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। फिर आगे आगे टाइम बढ़ता गया तो इट वॉज अबाउट 1st century BC जब हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है वैरो एंड कॉल्यूमेला, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो डिजीज है वो किसी इनविजिबल चीज से होती है, जो इंसान है वो बीमार पड़ रहे हैं, उनके अंदर बीमारियां हैं वो किसी इनविजिबल बींग की वजह से हैं जो उनके अंदर चली जाती हैं थ्रू इनहेलेशन एंड इंजेशन, जिनको हम देख तो नहीं पाते हैं लेकिन ज़रूर कोई बाहर से चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाती हैं और हमारे अंदर जो है वो डिजीजेस कॉज करते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो किसने दिया था, वैरो एंड कॉल्यूमेला ने दिया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है प्लांसस। तो प्लांसस कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को जो डिजीज होती है इट इज़ कॉज्ड बाय सेपरेट एजेंट, कि हर एक की डिजीज जो है वो किसी सेपरेट एजेंट द्वारा की जाती है। सो दीज टू वर द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, जिसे हम मान सकते हैं कि जो साइंटिस्ट ने कहा उस टाइम पे वो उनका बिलीव था, क्योंकि उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज नहीं था लेकिन वो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड की तरफ को आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये कुछ फाइंडिंग्स की अपनी। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट कुक आते हैं हमारे पास, सॉरी रॉबर्ट हुक इट इज, रॉबर्ट हुक आते हैं जिन्होंने 1665 में डिस्कवरी ऑफ सेल की थी, डिस्कवरी ऑफ सेल की थी, लेकिन कौन सा सेल, इट वॉज अ डेड सेल, इट वॉज अ डेड सेल, और वो इन्होंने कहाँ देखा था, इट वॉज फाउंड इन द कॉक ऑफ अ ट्री, मीन्स बाग जो होती है ट्री में, उनमें उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने पाया कि जो सेल है इट वॉज अरेंज इन अ काइंड ऑफ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की और डेड सेल की डिस्कवरी किसने की। तो अगर हम सेल की बात करें तो इट वॉज फाउंड बाय इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक। अगर हम लिविंग सेल की बात करते हैं तो लिविंग सेल इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक इन 1674। और इन्होंने, जैसे हम जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी इन द कॉक ऑफ अ ट्री, और इन्होंने डिस्कवरी की थी इन द पॉन्ड वाटर, इन द पॉन्ड वाटर। और देखिए उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम कोई नहीं दिया गया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से कोई चीज़ नहीं जानी जाती थी। तो एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने जब लिविंग सेल को डिस्कवर किया तो उन्होंने उसे एक नाम दे दिया, दैट इज एनिमलक्यूल्स, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई सेल तो ऐसा है जिसमें एनिमल लाइक टेंडेंसी है, तो उन्होंने उसे एनिमलक्यूल्स का एक नाम दे दिया गया। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया फर्दर मोर डिस्कवरीज होती गई। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है ऑगस्टिनो, ऑगस्टिनो, ऑगस्टिनो बैसी। इन्होंने मस्कर्डाइन डिजीज जो होती है सिल्क वॉर्म में उसका जिक्र किया था। तो इन्होंने कहा जो मस्कर्डाइन डिजीज है सिल्क वॉर्म में, डिजीज इन सिल्क वॉर्म इज कॉज्ड बाय सम काइंड ऑफ फंगस, इज कॉज्ड बाय सम काइंड ऑफ फंगस। और इन्होंने ये कहा कि ये जो फंगस से मस्कर्डाइन डिजीज होती है इट इज़ अ काइंड ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फंगस जो है वो एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हम देखिए, हम अब देख रहे हैं कि यहाँ पे अब पैथोजन की डिस्कवरी होने लग गई है। तो ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने कहा कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम की कोई चीज़ है जिसे हमने फंगस कहा है, उसने डिजीज कॉज करी है, कौन सी, मस्कर्डाइन डिजीज, जो कि सिल्क वॉर्म की डिजीज़ है।
उसके बाद फिर से टाइम आगे बढ़ता गया और वो टाइम आ गया जिसे हम कहते हैं द गोल्डन एरा, जिसे हम कहते हैं द गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी टर्म जो है उसको भी क्वाइन कर दिया गया था, जैसे कि हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा है बाय लुईस पाश्चर। और यहाँ पे गोल्डन ईरा माइक्रोबायोलॉजी का इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई थी जो आज के दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हम गोल्डन ईरा को जब रेफर करते हैं तो हम बेसिकली एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है लुईस पाश्चर एंड हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पाश्चर द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए इन्होंने अपने टाइम पे बहुत से डिस्कवरीज की थी गोल्डन एरा के टाइम पे, जिसे हमने नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज गिवन बाय हिम, फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन्होंने दिया है। सेकेंड जो इन्होंने दिया है दैट इज ही डिस्कवर्ड द रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, और इनके नाम से ही और टेक्निक है पैस्चराइजेशन, पैस्चराइजेशन। Then he also discovered the cholera vaccine and another is vaccine for anthrax, vaccine for anthrax, vaccine for anthrax. And one more very very important discovery, that is he disapproved the theory of spontaneous generation, theory of spontaneous generation, theory of spontaneous generation. देखिए हम बाकी चीजों के बारे में जानते हैं, now what is this theory of spontaneous generation? देखिए theory of spontaneous generation से ही हम इस experiment का जो है वो relation है। तो पहले हम थोड़ा generally बता देती हूँ मैं आपको spontaneous generation की theory क्या कहती है। spontaneous generation की theory बात करती है about abiogenesis। तो abiogenesis की theory क्या कहती थी कि लोगों का मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पैदा होते हैं एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो साइंटिस्ट ऐसे पहले लोग ऐसा विश्वास करते थे, इवन साइंटिस्ट भी ऐसा विश्वास करते थे कि जितनी भी हो सकता है कि दुनिया में कुछ लिविंग चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग चीज़ से पैदा हुई है। और ऐसा साइंटिस्ट ने इसलिए कहा क्योंकि किसी एक साइंटिस्ट ने देखा कि जो गीला कीचड़ होता है या जो गीली मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, वहाँ से स्नेक्स और टोड्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो गीली मिट्टी है या ये जो कीचड़ है ये जन्म देता है किसे, लिविंग चीज़ों को लाइक स्नेक्स एंड टोड्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो नॉन लिविंग चीज़ है वो लिविंग चीज़ को जन्म दे सकती है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसमें से जो सबसे पहला नाम आता है इट वॉज रेडी। तो रेडी वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ये कहा कि नहीं, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि एक नॉन लिविंग चीज एक लिविंग चीज को जन्म तो दे ही नहीं सकती। और इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन जार लिए, 1, 2 and 3, जार नंबर 1, 2 and 3 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि इन तीनों जार में उन्होंने एक मीट का पेस्ट डाल दिया और फिर उन्होंने देखा कि इन तीनों जारों में जो जहाँ पे उन्होंने मीट का पीस डाला था, एक जार को उन्होंने ओपन रखा, एक जार को उन्होंने गॉज के साथ कवर कर दिया, अ नेट क्लोथ लाइक स्ट्रक्चर, और थर्ड में उन्होंने कवर कर दिया उसको पूरा, लिड लगा के टाइट कंटेनर बना दिया उसे। तो उन्होंने देखा जो जिस जार को ओपन रखा गया था वहाँ पे जो मीट था उसके ऊपर फ्लाइज थी, मैगट्स, काइंड ऑफ मैगट्स एंड फ्लाइज जो थी वो जन्म ले चुकी थी। लेकिन जो जार जिनको ऊपर से उन्होंने नेट से, नेट के जो कपड़ा था उससे बंद किया था, उसके ऊपर बस जो फ्लाइज है वो उसके ऊपर तक ही हैं, अंदर किसी तरह की कोई माइक्रोबियल ग्रोथ या किसी तरह के कोई मैगट्स और फ्लाइज नहीं है अंदर। और जिसे बिल्कुल टाइट कंटेनर बनाया गया था उसके अंदर भी किसी तरीके की कोई फ्लाइज और मैगट्स नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो साइंटिस्ट एबायोजेनेसिस को प्रूव करते हैं कि ऐसा है कि नॉन लिविंग चीज से ही लिविंग बनी है, तो वो गलत कहते हैं, बल्कि हमने जब इस कंटेनर को ओपन छोड़ा है तो माइट भी ऐसा हुआ होगा कि बाहर से कोई लिविंग फ्लाई आई होगी, उसने अपने अंदर एग ले कर दिए होंगे और उस मीट के अंदर फिर हमें उनके जो एग है वो देखने को मिलते हैं। तो
और अगर ऐसा होता कि कोई नॉन लिविंग चीज लिविंग चीज को जन्म दे रही है तो वो हमें सेकंड वाले में भी मिलना चाहिए था, थर्ड वाले में मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि जब हमने इसे कंटेनर को ढक दिया तो बाहर से आने वाली जितनी भी लिविंग चीजें थी वो अंदर एंटर नहीं कर पाई, जिसके कारण वो अंदर अपने एग नहीं ले कर पाई और एज अ रिजल्ट मीट के ऊपर किसी तरीके का कोई मैगट्स और फ्लाइज नहीं देखने को मिलती है। एंड सेम प्रोसेस इज यूज फॉर थर्ड जार ऑल्सो, कि यहाँ पे भी फ्लाइज जो थी वो अंदर एंटर नहीं कर पाई, अपने एग्स नहीं दे पाई और इसी के कारण जो मीट है उसमें किसी तरीके की कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट जो थे वो एक दूसरे को क्या होते हैं वो डिसअप्रूव करने के लिए लगे रहते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ साइंटिस्ट जो एबायोजेनेसिस को मानते थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब आता है हमारे पास सेकेंड एक्सपेरिमेंट। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं जॉन नीडहैम के बारे में। तो जो नीडहैम थे ये भी सपोर्टर थे किसके, ए बायोजेनेसिस के। इनका भी यही कहना था कि नॉन लिविंग चीज से लिविंग चीज पैदा होती है। तो उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ब्रॉथ ले लिया और उस ब्रॉथ को उन्होंने हीट किया और फिर उसको हीट करके इन्होंने ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ दिया। और कुछ टाइम बाद जब इन्होंने नोटिस किया कि ये जो ब्रॉथ जिसको इन्होंने हीट किया था उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, उसमें सम काइंड ऑफ जर्म्स आर सीन, तो इन्होंने कहा कि देखो जो हमने कहा था कि नॉन लिविंग चीज़, क्योंकि ये ब्रॉथ जो है वो नॉन लिविंग होता है, तो इस नॉन लिविंग चीज़ ने ही इन जर्म्स को पैदा किया, ऐसा जॉन नीडहैम का कहना था। नाउ सेकेंड इज, अब इनके एक्सपेरिमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए इनके अगेंस्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इट वॉज लज़ारो स्पिनोज़ानी। तो इन्होंने क्या किया, सेम वही इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है रिपीट किया किसका, जॉन नीडहैम का। फर्क बस क्या था, फर्क ये था कि इन्होंने इस फ्लास्क को ऊपर से लिड से कवर कर दिया, टाइटली कवर कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, सेम इन्होंने ब्रॉथ लिया लेकिन ऊपर से इसको कवर कर दिया और उसके बाद उसे हीट किया, फिर उनको एज इट इज छोड़ दिया कूल होने के लिए। और कुछ टाइम बाद इन्होंने आके देखा कि यहाँ पे किसी तरह के कोई जर्म्स नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हमने इसको ऊपर से क्लोज कर दिया इसका माउथ, तो बाहर से कोई लिविंग चीज अंदर एंटर नहीं कर पाई है, जिसके कारण उसने अंदर अपने एग्स ले नहीं किए हैं और ब्रॉथ में किसी तरीके की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अगर जॉन नीडहैम का एक्सपेरिमेंट सही होता तो इसके अंदर ये जो नॉन लिविंग ब्रॉथ है ये बच्चे पैदा करता जिसके अंदर हमें जर्म्स देखने को मिलते, लेकिन अंदर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब है बाहर से कोई अंदर चीज एंटर नहीं कर पाई जिसके कारण अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और फिर यही एक्सपेरिमेंट्स आगे चलते रहे, जो साइंटिस्ट थे वो एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने एक किया था जिसे हम कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से, ठीक है जी। तो इन्होंने बेसिकली डिसअप्रूव किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इन्होंने उसे कैसे डिसअप्रूव किया, इन्होंने एक ब्रॉथ लिया और उसे बॉईल किया एक फ्लास्क के अंदर। अब ये फ्लास्क का आप ऊपर नेक देख सकते हैं, पहले ये नेक बिल्कुल स्ट्रेट थी लेकिन उन्होंने इस नेक को थोड़ा सा हीट किया और इसे ऐसे एस शेप में इसे कन्वर्ट कर दिया, बेंड कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, अब यहाँ से हीट मिल रही है, ये अंदर वाला एरिया जितना भी है वो स्ट्राइल हो गया है, सेम हीट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर तो करे लेकिन वो सिर्फ थोड़े रास्ते तक ही जम गए, उसके आगे नहीं आ सके क्योंकि यहाँ से आने वाला जितना मॉइस्चर था वो सारे यहाँ पे कवर कर चुका था, जिसके कारण अंदर किसी तरीके की माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सकी थी। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ब्रॉथ है रिमेन्स फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन्होंने इसे हीट किया, क्योंकि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो बाहर ही ट्रैप हो गए थे, वो अंदर एंटर नहीं कर पाए। लेकिन जब उन्होंने इस ऊपर की नेक को तोड़ के अलग कर दिया और इस फ्लास्क को कैसा रख दिया, ओपन, इस फ्लास्क को इन्होंने ओपन कर दिया ताकि बाहर से कोई लिविंग चीज आए, अंदर जाए और अपने एग्स ले कर दे। अब देखिए जब बाहर से कोई लिविंग चीज आएगी, अंदर अपने एग ले कर दिए हैं, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिला है, अंदर थोड़े देर बाद हमें यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ मिलती है। तो इसका कहने का मतलब ये था, पाश्चर जी ने यहाँ पे ये कहा कि जब आप इस
फ्लास्क को ओपन छोड़ेंगे तो ज़रूर बाहर से ही कोई लिविंग चीज़ अंदर एंटर करी है, जिसने अपने अंदर एग जो है वो ले किए हैं, और जिसके कारण आपको थोड़े दिनों बाद क्या है यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। चलिए, नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट कि जब उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया एंड इट वॉज एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी, फिर यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ दैट इज कि एक लिविंग चीज़ ही दूसरी लिविंग चीज़ को जन्म दे सकती है। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने डिसअप्रूव करी थी, और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा और डिस्कवरीज की जो कि सभी साइंटिस्ट ने मानी। नाउ नेक्स्ट इज द कोच पॉस्टुलेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट रॉबर्ट कॉच। नाउ ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। वाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, किसी और को क्यों नहीं कहा गया? बिकॉज ही हैज़ डन द बेसिक 3 डिस्कवरीज टू फाइंड आउट द पैथोजेंस ऑफ 3 डिजीजेस। वन इज द बैसिलस एंथ्रासिस, देन इज कॉलेरा, दैट इज वाई विब्रियो कॉलेराए, एंड देन इज ट्यूबरक्यूलोसिस। तो बेसिकली यही थे जिन्होंने ये कहा कि ये जो तीनों डिजीजेस हैं एंथ्रैक्स, कॉलेरा एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, इट इज कॉज्ड बाय स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दैट इज वाई इन किसी स्पेसिफिकेशन के कारण ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बिकॉज ऑल दीज 3 आर द बैक्टीरियाज। और यही थे जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई अगर मान लो हमारे पास 3 लोग हैं, और तीनों लोगों में अगर किसी को तीनों में कोई डिजीज़ हो जाती है, अगर तीनों में ट्यूबरक्यूलोसिस है, तो उन तीनों में ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये कोच ने कहा था कि हर एक बीमारी के लिए एक स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, और अगर सभी लोगों को वो सेम बीमारी है तो वो सेम ही पैथोजन सब में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एक माइस का जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो माइस, इन्होंने एक हेल्दी माइस लिया और एक डिसीज्ड माइस लिया। तो इन्होंने क्या किया, दोनों जो माइस थे, एक हेल्दी वाला माइस और एक डिसीज्ड वाला माइस, दोनों से उन्होंने ब्लड सैंपल निकाला, हेल्दी वाले का भी और डिसीज्ड वाले का भी। तो इन्होंने क्या देखा, जो हेल्दी वाला माइस था उसके अंदर किसी तरीके के कोई पैथोजेनिक या कोई एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इन्होंने जब डिजीज्ड वाले का ब्लड सैंपल लिया तो इन्होंने देखा कि कुछ रेड ब्लड सेल्स के साथ सस्पेक्टेड पैथोजन देखने को मिले हैं। सेकेंड टाइम इन्होंने क्या किया, उस जो सस्पेक्टेड पैथोजन थे उन्होंने उनको एक प्योर कल्चर में ग्रो किया, और जब इनको ग्रोथ मिल गई तो सेम चीज़ को उन्होंने इनोक्यूलेट कर दिया एक हेल्दी वाले माइस के अंदर। और उन्होंने देखा कि जब जैसे ही इन्होंने इस पैथोजन को, इस ग्रोथ को एक हेल्दी वाले माइस में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो जो माइस है वो क्या हो गया, वो भी बीमार पड़ गया, और वो सेम साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा था जो इनका पहले वाला डिजीज्ड एनिमल था। तो इन्होंने क्या किया, दोबारा से इसका ब्लड सैंपल निकाला, और ब्लड सैंपल निकाल के इनको फिर से वो सस्पेक्टेड पैथोजन मिले, और दोबारा से इन्होंने उसे कल्चर किया। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो कल्चर था इट वॉज फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली एज सेम एज द फर्स्ट वन। फिर उन्होंने अपने 4 पॉस्टुलेट्स दिए, जिसमें से पहले ये कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन अबंडेंस इन ऑल द ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, बट शुड नॉट बी फाउंड इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। अगर कोई इंसान बीमार है, 2-3 इंसान बीमार है और एक ही बीमारी से ग्रस्त है, तो उन सबके अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और वो सेम पैथोजन है वो हेल्दी ह्यूमन बींग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये इनका फर्स्ट पॉस्टुलेट था। सेकेंड इन्होंने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको जो देखने को मिला है, आप उसे ब्लड सैंपल्स से आप उसे लेंगे और आप उसका क्या करेंगे, उसे आइसोलेट करके उसका प्योर कल्चर करेंगे, आप उसे कल्चर करेंगे। एंड आफ्टर दैट, कल्चर करने के बाद इनका जो थर्ड पॉस्टुलेट कहता है, कल्चर करने के बाद जो आपके पास ग्रोथ आती है, आप उसे इनोक्यूलेट करेंगे एक हेल्दी एनिमल में, और देखेंगे कि क्या उसमें बिल्कुल साइन एंड सिम्टम सेम आ रहे हैं जो उनका पहले वाला जो उनके पास एनिमल था।
तो वो उनका आ गया थर्ड वाला पोस्टुलेट, दैट इज द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म. जैसा कि हम इस माइस में देख सकते थे कि इसके अंदर सेम साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे पहले वाले एनिमल के जैसे. नाउ इनका फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जो लास्ट में आप सैंपल निकालेंगे वो सैंपल मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम होना चाहिए, किसकी तरह जो आपने पहले जो आपसे पहले वाला जो आपने ब्लड सैंपल निकाला है और उसकी जैसी ग्रोथ निकली है उसकी तरह वो सेम दिखना चाहिए. तो यही इनका फोर्थ वाला पोस्टुलेट था. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोक्युलेटेड डिजीज एक्सपेरिमेंटल होस्ट एंड आइडेंटिफाइड एज बीइंग आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल स्पेसिफिक कॉजिटिव एजेंट, जो कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि सेकेंड टाइम जब इन्होंने एक हेल्दी एनिमल में इन्होंने उस ग्रोथ को इनोकुलेट किया था और उसका ब्लड सैंपल निकाला और उसकी ग्रोथ की, तो वो ग्रोथ वो सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ग्रोथ. तो ये थे कॉच पोस्टुलेट, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन में प्रेजेंट है तो वो एक हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज सम साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज. अब हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं और उनकी डिस्कवरीज क्या थी. नाउ द नंबर वन इज रॉबर्ट हुक, जैसे कि हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं. रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल डिस्कवर किया था. ही वाज अ डिस्कवरर ऑफ अ डेड सेल्स. और किस में इन्होंने डिस्कवर किया था, कॉक ऑफ अ ट्री. नाउ नेक्स्ट इज एंटनी वैन लीवेनहॉक, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल. और लिविंग सेल और कहाँ इन्होंने डिस्कवर की थी, इन द पॉन्ड वाटर में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रांसिस कोरेडी, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ थ्यूरी ऑफ बायोजेनेसिस. एंड किसके अगेंस्ट थे ये, ए बायोजेनेसिस के अगेंस्ट थे. नाउ नेक्स्ट इज लुइस पाश्चर, नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. और बहुत से इन्होंने इम्पॉर्टेंट क्या किए हैं, डिस्कवरीज की थी. नाउ एक बार और फिर से देख लेते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन्होंने दिया था क्योंकि इन्होंने कहा कि जो फर्मेंटेशन है वो किसी माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण हो रही है, तो उनका डिस्कवरर लुइस पाश्चर को माना जाता है. देन इज पैश्चराइजेशन प्रोसेस इन्होंने दिया है और वेरियस वैक्सीन भी इन्होंने डिस्कवर किए थे, लाइक फॉर कॉलेरा, then for rabies and for anthrax. Now next is Robert Koch, जिसे हमने पीछे देखा, he is called as the father of bacteriology. हम पीछे discuss कर चुके हैं. Now next is Joseph Lister. Yes, Joseph Lister is regarded as the father of antiseptic surgery. Father of antiseptic surgery. देखिए, इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही यूज्ड बेसिक एंटीसेप्टिक्स, और हम जैसे डिसइंफेक्टेंट्स कह सकते हैं, लाइक फिनोल्स फॉर द वुंड्स. और इन्होंने देखा कि जैसे ही इन्होंने कुछ डिसइंफेक्टेंट्स एंटीसेप्टिक्स का यूज़ किया है वुंड्स पे, जो मॉर्टैलिटी रेट था इट वॉज डिक्रीज टू 3%. इट वॉज डिक्रीज टू 3% फ्रॉम 40%. So he play a very important role for saving the life of the persons. Now next is the Paul Ehrlich. Now Paul Ehrlich is called as the father of chemotherapy. Father of chemotherapy. Now next is Hans Gram. So his full name is Hans Christian Gram. Hans Christian Gram. Hans Christian Gram. So he was the basic discoverer of Gram staining. So Gram staining से हम क्या पता करते हैं, the difference between Gram positive and Gram negative bacteria. Now another is Alexander Fleming. तो Alexander Fleming की एक बहुत ही important discovery हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं discovery by chance, that is the discovery of penicillin, which is an antibiotic, which is an antibiotic. So this was all about the history of microbiology and the important experiments and the important discoveries. So thank you.